हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। स्टार्ट करेंगे हमारे एल्जेब्रा के इस कोर्स का पार्ट नंबर 3। आप मुझे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। आई एम देयर एज एन एजुकेटर। एसएससी सीजीएल कैटेगरी से रिलेटेड मेरे वहां पर मोर देन 60 फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप इन सभी कोर्सेज का जाकर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर फ़ायदा उठा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए दिस एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन के लिए आपको देखना होगा कि परफेक्ट स्क्वायर के इंडिविजुअल टर्म्स आपको यहाँ पर कैसे कैसे मिल सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इस गिवन एक्सप्रेशन को, जो कि आपको दिया गया है, जहाँ पर आपको ए की वैल्यू बतानी है और बताना है कि इस एक्सप्रेशन को आप एक परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, तो इस रूट एक्स को लेकर आप क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स का स्क्वायर ले सकते हैं। एंड देन यहाँ पर 2ab के इस फॉर्मेशन में आपको 2b यानी कि रूट एक्स, जो कि आपको यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, उसके साथ यहाँ पर 4 1/4 लाने के लिए आपको यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर 1/8 लेना होगा। यानी कि ए आपको यहाँ पर मिलेगा कितना, 1/8, जो कि आपका यहाँ पर करेक्ट वैल्यू देगा। तो विद द हेल्प ऑफ ए इक्वल्स टू 10 आप इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या बना सकते हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। इफ ए इज एंड इक्वल टू बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू दैट ए प्लस बी अपॉन 2 इक्वल्स टू रूट ऑफ ए बी। तो ए और बी की दो कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए और यहाँ पर पुट करके देख लीजिए। आपने क्या किया, ए की वैल्यू मानी 16 एंड बी की वैल्यू 4। जब आप ऑप्शन में पुट करके देखेंगे या फिर a प्लस बी बाई 2 एंड रूट ऑफ ए बी की वैल्यू निकालेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, a प्लस बी बाई 2 यानी कि 16 प्लस 4 अपॉन 2 करेंगे तो आपको 10 मिलेगा एंड रूट ऑफ ए बी आपको क्या देगा, 8। यानी कि यहां से क्लियरली आपको करेक्ट है कि a प्लस बी बाई 2 विल बी ग्रेटर देन रूट ऑफ ए बी। अब इस एक्सप्रेशन को आपको याद भी रखना है, बिकॉज इस टाइप के एक्सप्रेशन क्वेश्चन में भी यूज करने पड़ जाते हैं। इफ x by आर 2 पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड यहां पर एक एक्सप्रेशन आपको गिवन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज ट्रू। तो देखिए, एक्सप्रेशन जो आपको दिया गया है, पहली चीज़ आपको इस एक्सप्रेशन की पावर्स को कुछ इस तरीके से लेना होगा कि आप इनको इन इंटीजर्स की पावर में लेकर आ सकें। तो कैसे कर सकते हैं, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। तो 12 का दोनों साइड में क्या करें, पावर कर दें। यानी कि x टू द पावर 1/3 इक्वल टू y टू द पावर 1/4 को आपको इक्वलाइज करने के लिए क्या करना होगा, एलसीएम 3 4 यानी कि 12 का दोनों साइड पावर करना होगा। तो 12 पावर करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, x टू द पावर 4, इधर से क्या मिलेगा आपको, y टू द पावर 3। 5 का अगेन पावर कर दीजिए, जो कि आपको देगा x टू द पावर 20 एंड y टू द पावर 15 एज इक्वल्स। इफ x इक्वल्स टू दिस वैल्यू, तो यहाँ पर पुट करके बता दीजिए कि ये जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू क्या मिलने वाला है। तो देखिए, कई तरीके हैं इसे करने के, या तो आप इंडिविजुअली इस टर्म को पहले सिंप्लीफाई करके कोशिश कर सकते हैं, या फिर आप x को 1/x के फॉर्म में लेकर आएँ और फिर उसका स्क्वायर ले लें, रूट ले लें, जो कि यहाँ पर पुट करने के बाद आप देख सकते हैं कैलकुलेट करके। तो आपने क्या किया, x की वैल्यू आपके पास है, आपने 1 ऐड किया, इसमें 1 ऐड करेंगे तो एलसीएम लेके क्या मिलेगा आपको, 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2। अब इसका क्या लेना है, आपको रूट लेना है। तो रूट के लिए पहले आप कोशिश करिए कि यह आपको एक ऐसी टर्म में मिल जाए जहाँ पर आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकें। तो आपने क्या किया, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का डिवाइड किया, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 4 प्लस 2 रूट 3 और नीचे आपका क्या हो जाएगा, 4। ये आपके पास आ चुका है 1 प्लस x का वैल्यू। अब ये जो आपका न्यूमरेटर में टर्म है, आप इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में ले जा सकते हैं। 4 को आपने डिवाइड किया 1 प्लस 3 के फॉर्म में, जो कि आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाएगा किसका, 1 प्लस रूट 3 का। तो यानी कि अगर मैं इसको यानी 1 प्लस x का रूट लेने की बात करूँ, तो इसका रूट लेना पड़ेगा, जो कि आपको क्या देगा, इसका ये स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा कि आपके पास 1 प्लस रूट 3 एंड नीचे 2। ये आपने किसका वैल्यू निकाला, रूट ऑफ 1 प्लस x। अब मैं 1 माइनस x का रूट निकाल लेता हूँ, जो कि मुझे क्या मिलेगा, √3 - 1/2, जो कि आप यहाँ से ही ऑब्जर्व करके भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से इस तरीके से सॉल्व करेंगे, जो कि आपको यही मिलेगा। अब इन दोनों का क्या करना है, आपको वैल्यू पुट कर दीजिए, जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया गया था यहाँ से एक्सप्रेशन में पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर मिलेगा आपको 2/√3। इफ फॉर अ नॉन जीरो x²-4x-1=0, तो बताना है x²+1/x² का वैल्यू क्या होने वाला है। आप इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इसके फॉर्म में लेकर आएंगे और आंसर मार्क करेंगे। कैसे, ये वैल्यू आपके पास था, इस वैल्यू को आपने क्या किया, x से डिवाइड कर लिया, इधर क्या बचा आपका पास, x²-1=4x। अब x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, x-1/x=4। पूछा है क्या आपसे x²+1/x², तो आप इसका स्क्वायर कर लीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, x²+1/x²-2, इधर क्या बन जाएगा, 16, ये -2 आपका इधर आएगा, 16+2 आपको देगा 18। एक्सप्रेशन आपके सामने है, इसका वैल्यू आपको बताना है। तो देखिए, टर्म को ऑब्जर्व कीजिए, ये क्या है आपका a प्लस बी और ये क्या है आपका a-b, इन दोनों के फॉर्मेशन से, फिर इन दोनों के फॉर्मेशन से कुछ एक एक्सप्रेशन बनेगा जो कि आपको क्लियरली आंसर दे देगा। कैसे, ये आपके सामने टर्म है जो आपको क्वेश्चन में दी गई है, आपने क्या किया, x प्लस
वन अपॉन एक्स को आप इस वाले टर्म के साथ ले गए जो कि आपको क्या ले सकता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो किसका फॉर्म बना ये, ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, और इसी तरीके से ये किसका बना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। यानी कि अगर ये बन चुका है आपका एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, ये बन चुका है आपका एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, तो ए प्लस बी ए माइनस बी यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स की पावर सिक्स माइनस वन अपॉन एक्स की पावर सिक्स। इफ ए की पावर टू एक्स प्लस टू इक्वल टू वन, तो बताना है कि ए क्या होने वाला है। तो अगेन इस वन को आप क्या लिख सकते हैं, ऑब्वियसली ए टू द पावर जीरो, बेस सेम है, पावर का कंपैरिजन करेंगे यानी कि 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, माइनस 1। इफ़ x इज़ अ रियल देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन इज व्हाट। तो देखिए मिनिमम वैल्यू अगर आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की निकालनी होती है तो पहले यहाँ से आप क्या करेंगे, इसे बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a के फॉर्म में लेकर आएंगे। यानी कि आपके पास ये एक्सप्रेशन है, इसे आप कंपेयर कीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो यहाँ से इसे कंपेयर करने के साथ साथ आप क्या निकाल पाएंगे, ए बी सी की वैल्यू निकाल पाएंगे। अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो वो क्या देता है आपको, फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए। ये आपको याद रखना है, मिनिमम वैल्यू के लिए आपको ये एक्सप्रेशन यूज़ करना पड़ेगा। ए बी की वैल्यू आपने इस एक्सप्रेशन से कंपेयर करके क्या निकाली, वन माइनस वन एंड माइनस वन, बस इन वैल्यू को यहाँ पर पुट कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, आंसर विल बी माइनस फाइव अपॉन फोर। इफ़ दिस वैल्यू इज़ इक्वल टू दिस, तो बताना है यहाँ पर ए का वैल्यू क्या होगा। तो पहले आप कोशिश कीजिए कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है आप इसे इसके फॉर्मेट में लेकर आ पाएँ और देन कंपैरिजन करके आप ए की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएँ। तो चलिए इस लेफ्ट हैंड साइड को पहले एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। तो आपने क्या किया, इस वैल्यू को आप क्या करेंगे, सबसे पहले रेशनलाइजेशन करेंगे यानी कि डिनोमिनेटर वैल्यू के ऑपोजिट साइन से आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर क्या बना आपका, दोनों टर्म सेम है यानी कि स्क्वायर टर्म बना, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी का टर्म क्या देगा आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म। यहाँ से इसे ओपन करेंगे, ये देगा आपको सेवन प्लस फोर माइनस फोर रूट सेवन, और नीचे बचेगा आपके पास तीन, यानी कि ये आपके पास वैल्यू आया है इस गिवन एक्सप्रेशन का। अब इस वैल्यू को आप क्या करेंगे, अलग अलग टर्म में ले जाइए, यानी कि इलेवन बाई थ्री माइनस फोर अपॉन थ्री रूट सेवन आ जाएगा। इसे आप कुल मिला के इस टर्म में लेकर आ चुके हैं। राइट हैंड साइड में आपके पास ये टर्म थी, कंपेरिजन कर दीजिए, यहाँ से ए की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, माइनस फोर बाई थ्री, और बी की कितनी आएगी, इलेवन बाई थ्री। इफ़ ए प्लस वन अपॉन बी इक्वल टू वन एंड बी प्लस वन अपॉन सी इक्वल टू वन, तो बता दीजिए कि सी प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू क्या होने वाली है। तो देखिए इसे आप वैल्यू पुटिंग की तरफ से भी कर सकते हैं या फिर इसे नॉर्मल जनरलाइज वे में भी कर सकते हैं। वैल्यू पुटिंग करके कैसे, अगर आप यहाँ पर ए की वैल्यू मान लीजिए वन बाई टू, बी की वैल्यू टू, तो क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा ये, वन बाई टू प्लस वन बाई टू, तो वन बाई टू प्लस वन बाई टू आपको क्या देता है, वन। इसी तरीके से बी की वैल्यू आपने क्या मानी थी, टू मानी थी, सी की वैल्यू मान लीजिए माइनस वन, तो टू माइनस वन आपको कितना मिलेगा, वन मिलेगा। और यहाँ पर पुट करेंगे सी की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस वन, ए की वैल्यू कितनी थी, वन बाई टू, ए की वैल्यू अगर वन बाई टू है तो टू इधर ऊपर पहुँच जाएगा यानी कि माइनस वन प्लस टू आपको कितना देगा, वन। तो देखते हैं, आपने वैल्यू पुटिंग किया, ए की वैल्यू वन बाई टू, बी की वैल्यू टू और सी की वैल्यू माइनस वन, तो ये एक्सप्रेशन आपको फाइनली कितना देगा, वन। इसके अलावा जनरलाइज्ड वे क्या है आपका, ये क्वेश्चन आपको गिवन है कि ए प्लस वन अपॉन बी इक्वल टू वन, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लीजिए, वन अपॉन बी को इधर ले जाइए, तो ये बनेगा आपका वन माइनस वन अपॉन बी। ये क्या बन गया आपका, बी माइनस वन अपॉन बी। इसी तरीके से वन अपॉन ए की मैं बात करूँ तो ये क्या देगा आपको, बी अपॉन बी माइनस वन। एक्सप्रेशन आपको क्या लेना है, बी प्लस वन अपॉन सी इक्वल टू वन, सेकेंड जो एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, यहाँ से आपके पास क्या आएगा, वन अपॉन सी की वैल्यू कितनी आएगी, वन अपॉन वन माइनस बी। अब आपसे जो पूछा है वहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आपको क्या मिलेगा, वन ही मिलेगा। इफ एक्स इक्वल टू दिस, तो बताना है कि एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए आप एक्स की क्यूब वैल्यू निकाल लीजिए, उसको यहाँ पर पुट करके भी निकाल सकते हैं। तो चलिए एक्स का क्यूब वैल्यू निकालते हैं। पहले आपके पास एक्स की वैल्यू क्या है, रूट थ्री प्लस टू। तो मैंने आपको बताया था लास्ट पार्ट में भी कि अगर इस टाइप की आपको वैल्यू दी गई होती है और आपको इसका रेसिप्रोकल निकालना होता है तो आप एक बार देख लीजिए कि इन दोनों टर्म्स के स्क्वायर का डिफरेंस कितना है। रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, रूट टू का स्क्वायर टू, दोनों का डिफरेंस वन, यानी कि इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू आप डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, सिर्फ साइन चेंज करना होगा, रूट थ्री माइनस रूट टू आपका इसका रेसिप्रोकल होगा। आपको निकालना क्या है, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो आपको क्या करना होगा, इसका क्यूब करना होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ट्राइस ऑफ ए बी एंड देन ए प्लस बी। इसे ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास किसका वैल्यू आ चुका है, एक्स क्यूब का कितना, नाइन रूट थ्री प्लस इलेवन रूट टू। अब यहाँ पर आपके पास एक्स क्यूब की वैल्यू आ चुकी है तो वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी, आपको सिर्फ साइन चेंज करना होगा जो कि आपको क्या देगा, नाइन रूट थ्री माइनस इलेवन रूट टू। दोनों का सम करना है, वैल्यू पुट करिए, सम कीजिए, आपके पास एटीन रूट थ्री आंसर होगा। ऑल्टरनेटिव अगेन, आपके पास एक्स की वैल्यू थी, वन अपॉन एक्स की वैल्यू आपने निकाल ली, आप एक्स प्लस वन अपॉन एक्स निकाल सकते हैं, कितना आया, टू रूट थ्री।
अगर आपको एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी है तो क्या होता है इसका एक्सप्रेशन की वैया क्या होता है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ ए प्लस बी। तो ये वैल्यू आपको निकालनी थी, ये आपको पता है टू रूट थ्री, यहाँ पर भी पता है टू रूट थ्री, बस इसे सिंप्लीफाई करना था, 18√3 आपका आंसर होना था। इफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू सेवन तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आपको बताना है। तो देखिए आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं कि आप वाई को जीरो कर दीजिए, एक्स की वैल्यू सेवन ले लीजिए, तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि सेवन क्यूब आपको कितना देगा, 343। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आप वैसे भी करके देख लीजिए कि भाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू सेवन है, यहाँ पर क्यूब कर दीजिए, क्यूब करके सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आपको कितना मिलेगा, 343 ही मिलेगा। अगर ये एक्सप्रेशन बताता है कि a इंटू बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a जब a ग्रेटर है b से और a प्लस बी जब b ग्रेटर है a से, तो बताना है कि भाई इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा। आई गेस आपको चीज़ क्लियर हुई होगी कि अगर आपको एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का मिलता है कि a इंटू बी इक्वल्स टू होगा 2ak जब a की वैल्यू होगी ज़्यादा b से, और अगर a प्लस बी करना होगा तब जब b की वैल्यू होगी a से ज़्यादा के, ठीक है। तो यहाँ से आपको इस एक्सप्रेशन में बताना है कि क्या आपको आंसर मिलेगा। तो देखिए पहली चीज़ a इंटू बी 2a होगी जब a बड़ा है b से, और a प्लस बी होगी जब आपका b बड़ा होगा a से, या फिर अगर a इंटू बी करना होगा तो a स्क्वायर होगा जब a और b बराबर होंगे। तो यहाँ पर 5 प्लस सात करना होगा क्योंकि यहाँ पर b बड़ा था a से, तो आपने 5 प्लस सात किया, इधर दोनों वैल्यू इक्वल थी तो आपने 4 स्क्वायर कर दिया, इसी तरीके से आपने नीचे किया, बस उसके बाद सिंप्लीफाई करना है, आंसर विल बी 2/3। इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस तो बताना है x का वैल्यू क्या होने वाला है। तो अगेन आसान है, 25 क्या होता है 5 to the power 3, टू द पावर एक्स, 3125 क्या होता है 5 to the power 5, कॉमन बेस पावर को आप कंपेयर करेंगे 3x = 5, एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी 5/3। दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस तो एक्स की वैल्यू बता दीजिए। तो देखिए आप यहाँ से आसानी से, बहुत आसानी से कर सकते हैं। पहली चीज़ आपको यहाँ पर रूट में वैल्यू दी गई है, तो रूट में वैल्यू तो आपको हमेशा एक ट्राई चीज़ करनी है कि आपको जो एक्स की वैल्यू पुट करनी है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पर सभी ही परफेक्ट स्क्वायर हैं। उसके अलावा आपको क्या चीज़ करनी है ऑब्जर्व वो मैं आपको बताता हूँ। आपके पास ये वैल्यू थी, आप ऑप्शंस के थ्रू जाइए, आप एक्स की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो आपको पता है कि क्या थे आपके पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, यानी कि 5 square 12 square विल बी इक्वल्स टू 13 square, ये आपको पता है अगर आपने पाइथागोरस ट्रिपलेट्स पढ़े हैं। तो अगर यहाँ पे स्क्वायर लेना है तो एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी होगी, आपको 4 ही पुट करनी होगी, जो कि आपको क्या देगा, इसे कंप्लीट एक्सप्रेशन इक्वल करेगा। नेक्स्ट है आपका n प्लस दिस एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 97, तो n की वैल्यू बतानी है। तो क्या करना है आपको, एलसीएम ले लीजिए, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप एलसीएम ले लीजिए या फिर आप यहाँ पर कुछ भी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। सबसे बेहतरी आपकी यही होगी कि जो आपके पास एलसीएम होगा वही कुछ कुछ आपका n से मैच खाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आपने इस कंप्लीट एक्सप्रेशन का क्या लिया, एलसीएम लिया, तो नीचे आपका क्या बनता है 42, नीचे आपका 42 बनेगा, तो आप यहाँ से खुद देख लीजिए कि यही 42 आपका आंसर आने वाला है। ऐसा मैंने क्यों ऑब्जर्व करके बताया था, क्योंकि यहाँ पर ये एक्सप्रेशन में आप मुझे एक चीज़ बताएंगे कि n की वैल्यू जब आप कुछ इस तरीके की लेंगे जो कि इन तीनों टर्म का डिनोमिनेटर टर्म का एलसीएम होगा, तो ये n वैल्यू से कम्प्लीटली कट जाएगा या नहीं कट जाएगा। तो 40 इन सभी का एलसीएम नहीं हो सकता क्योंकि 7 है, 42 हो सकता है क्योंकि 7 है, 44 भी नहीं हो सकता और 46 भी नहीं हो सकता। तो आप डायरेक्टली ये चीज़ देख सकते थे कि 42 आपका यहाँ पर बेस्ट सूट करेगा। इफ x इक्वल्स टू दिस तो बताना है ये एक्सप्रेशन आपको क्या देने वाला है। तो अगेन आसान है, आपके पास x है, आप टर्म देख लीजिए, इनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 1, अगर x है तो 1/x कितना होगा 3 - √8, ये चीज़ आपको क्लियर है। तो आपके पास x है, आपके पास 1/x है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, x प्लस 1/x निकाल सकते हैं। तो बस अगर आपके पास x प्लस 1/x आ चुका है तो आप x² + 1/x² भी निकाल सकते हैं। तो देखिए वही किया, x की वैल्यू है आपके पास 3 + √8, 1/x की वैल्यू कितनी होगी 3 - √8, ठीक है, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। आप x प्लस 1/x निकाल लीजिए, सम कीजिए तो 6 मिलेगा, अगर आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू 6 है, आपको x² + 1/x² निकालना है, स्क्वायर करके तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 6² - 2 यानी कि 34। इफ x माइनस 1/x = 4 तो x प्लस 1/x की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए ये भी आसान है, इसमें भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। x माइनस 1/x की वैल्यू है आपके पास 4, आपको निकालना है x प्लस 1/x, तो आप पहले स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे क्या बना आपका x² + 1/x² - 2 = 16, इसके बाद इस 2 को आप इधर ले जाएंगे, क्या बन गया आपका ये 18। अब इसे x प्लस 1/x बनाने के लिए आपने क्या किया, इधर 2 ऐड किया, 2 माइनस किया, -2 आप इधर ले जाएंगे तो 20 बन जाएगा, इधर बन चुका है आपका x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 20। आपको x प्लस 1/x की वैल्यू बनानी थी जो कि आपको क्या देगा √20 या फिर 2√5। इफ 4b² + 1/b² = 2 तो ये एक्सप्रेशन का वैल्यू बता दीजिए। तो देखिए ये क्या है आपका परफेक्ट स्क्वायर है, तो बस उसी वे में ले जाएंगे इसे।
आपने क्या किया यहाँ पर प्लस फोर ऐड किया प्लस माइनस फोर ऐड किया सो दैट के इसे आप क्या बना सकते हैं 2b प्लस वन अपन बी का होल स्क्वायर, 2b प्लस वन अपन बी का होल स्क्वायर बना। माइनस फोर को आप इधर ले जाएंगे तो इधर सिक्स हो जाएगा, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो कितना बन जाएगा इधर रूट सिक्स, इसका क्यूब कर देंगे क्योंकि आपको 8b क्यूब प्लस वन अपन बी क्यूब की वैल्यू चाहिए थी। इधर क्या बना आपका 3 इंटू 2b अपन 1b, ये क्या बना a प्लस बी यानी कि 2b प्लस वन अपन बी, इधर आपका क्यूब हो चुका है यानी सिक्स रूट सिक्स। इधर आपका क्या हो चुका है, ये क्या था आपका रूट सिक्स, ये क्या है सिक्स, तो सिक्स रूट सिक्स इक्वल टू सिक्स रूट सिक्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका क्या आया जीरो, तो यही आपका आंसर होगा। इफ दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, तो बस क्या करना है बेस इक्वल करने हैं, पावर को कंपेयर करना है, एक्स और वाई के लिए सॉल्व करना है। पहली चीज आपको ये पता है कि टू टू द पावर फोर होता है, कंपेयर किया यहां से आपको क्या मिला टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू फोर, पहला इक्वेशन आ गया। सेकंड में इसे टू की पावर फाइव लिखा, कंपेयर किया एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव, सेकंड इक्वेशन आ गया। एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए एक्स और वाई के लिए कैलकुलेट कीजिए, दो आंसर होगा आपके पास सिक्स। बेस सेम है, पावर का सम कर दीजिए, बस यही करके आपको एक्स का वैल्यू बताना है। तो थ्री अपॉन फाइव टू द पावर प्लस थ्री माइनस सिक्स किया, इधर आपका टू एक्स माइनस वन हो गया है, कंपेयर कीजिए माइनस थ्री विल बी इक्वल टू टू एक्स माइनस वन, एक्स की वैल्यू आपके पास आएगी माइनस वन। इफ ए एंड बी पॉजिटिव इंटीजर्स लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 19, तो बताना है ए का वैल्यू क्या होने वाला है। तो देखिए इसको आप वैल्यू पुटिंग करके भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें ज्यादा प्रॉब्लम आपको होगा नहीं। पहली चीज आपको यहाँ पर वैल्यू किसकी बतानी है, ए की। अब ये भी आपको गिवन है कि यहाँ पर आपको बोला गया पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए था, ठीक है। तो या फिर मतलब उस तरीके से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैसे मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या किया, ये वैल्यू आपके पास है तो आपको दिया गया है कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप क्या ले सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी, जैसे आप ले सकते हैं कि 19 इंटू 1, ओके, क्योंकि यहाँ पर 19 था, 19 के ऑब्वियसली फैक्टर नहीं कर सकते, तो यहाँ पर 19 इंटू 1 कर लिया, यानी कि आपने ए प्लस बी ले लिया 19, ए माइनस बी ले लिया 1, यहाँ से एक की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दोनों को सॉल्व करके तो कितना आएगा 10 आएगा। एक्सप्रेशन आपके सामने है, इसकी वैल्यू है 2, तो एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, या फिर आप एक्स को यहाँ पर पुट करके भी बता सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो भी लगाकर निकाल सकते हैं। कैसे, ये एक्सप्रेशन आपके सामने कुछ इस तरीके से है कि अगर ये ए है ये नीचे बी है तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, तो यहाँ पर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो आप इक्वल टू फॉर्म में ले सकते हैं। तो यहाँ पर लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा रूट ऑफ थ्री अपॉन एक्स, थ्री प्लस एक्स अपॉन रूट ऑफ थ्री माइनस एक्स, इधर यूज करेंगे तो टू प्लस वन अपॉन टू माइनस वन यानी कि थ्री इधर मिल गया। इसके बाद आप इसका स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर करके रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बन जाएगा नाइन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स की वैल्यू आएगी आपके पास 12 अपॉन 5। अगर एक्स की वैल्यू 3 बाई 2 है, रूट 3 बाई 2 है, तो ये एक्सप्रेशन का वैल्यू बताना है। तो देखिए मैंने अभी स्टार्टिंग में भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपको डिस्कस किया था, पहले प्लस 1 करके उसे कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में लाकर रूट हटाने के लिए उसे कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, उसी तरीके से 1 माइनस एक्स के फॉर्म में लेकर आएंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। वही हमने किया, हमारे पास ये टर्म था, आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं सो दैट कि आप लास्ट में जाके एक्स की वैल्यू पुट कर दें, अदरवाइज यहाँ पर प्लस वन करके उसे कंप्लीट फॉर्मेशन में ले जाकर वैसे भी सॉल्व कर सकते थे। मैंने स्टार्ट में आपसे ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन किया था, अदरवाइज यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है आप इसका रेशनलाइज कर लीजिए, रेशनलाइज करके ये आपका यहाँ से फॉर्म यूज कीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर की, सिंप्लीफाई कीजिए, एक्स की वैल्यू पुट कीजिए और आंसर विल बी रूट थ्री। इफ फोर टू द पावर फोर एक्स प्लस वन इक्वल टू वन अपॉन 64, तो एक्स का वैल्यू बताना है। तो चलिए पावर को कंपेयर कर लेते हैं, 64 क्या होता है 4 टू द पावर 3 होता है, ऊपर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, बेस सेम, पावर का कंपेरिजन 4x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 3, एक्स विल बी इक्वल टू माइनस 1। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बींग विद मी इन दिस पार्ट, डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन अकेडमी एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल फॉर गेटिंग रेगुलर अपडेट्स। इंस्टाग्राम के इस प्लेटफॉर्म पर जाकर फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को आप लाइक कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, हमने एलजेब्रा के अभी तक 3 पार्ट डिस्कस किए, विल कंटिन्यू विद द 4th पार्ट। अपना ख्याल रखिए, विल सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।